इनविटेशंस ना कैन बी क्वाइट ट्रिकी, मतलब बहुत ही मैसअप हो जाता है ब्रेन में, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कार्ड टाइप है, बॉक्स टाइप है, कौन सा लगाना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो एक काम करते हैं, हम सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आए ना उनसे शुरू करते हैं अपना अटेम्प्ट करना और फिर आगे बिल्डअप करते जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारा, लेट मी रीड, हाँ, यू आर डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी and you have received an invitation from the director health service Kharagpur, west bengal mein, to preside over a gathering of leading medical practitioners attending a workshop on mental wellness on 9 november 2023 at 11 am in public hospital jammu and kashmir. Respond to the invitation and you have to accept it. तो तुम्हारा नाम डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी है और तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने वाले हो, तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले तो यू हैव टू रिमेम्बर कि नेम ऑफ द इवेंट ज़रूर मेंशन करना। दूसरा, ये कैटेगरी, क्योंकि आप इसमें किसी को रिप्लाई भेज रहे हो और खुद भेज रहे हो, अगर आप किसी और के बिहाफ पे भेज रहे होते तो आप थर्ड पर्सन में लिखते, मगर आप खुद भेज रहे हो तो आप इसको लिखोगे फर्स्ट पर्सन में कि भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हो इसको और आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे वो करेंगे एक्नॉलेज करेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, भाई किसी ने हमें बुलाया तो हम थैंक यू तो करेंगे उसे। दूसरा, थर्ड पर्सन में यार तब लिखना अगर आपको किसी और के नाम पे जवाब देना, अगर आपको कहे कि किसी और के बिहाफ पे आप एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो तो आप थर्ड पर्सन पे रहना, अगर आपको खुद अपनी तरफ से लिखना है तो स्टिक टू द फर्स्ट पर्सन। सो आपने लिख दिया, मेंशन करना है एक्सेप्ट कि जी एक्सेप्ट कर रहे हैं आएंगे, या अगर नहीं आ रहे हो और रिग्रेट वाला होना तो रीज़न ज़रूर स्पेसिफाई करना कि क्यों नहीं आ रहे हो, इट विल अदरवाइज लुक अ लिटिल रूड। एंड लैंग्वेज को जितना पोलाइट हो सके उतना पोलाइट रखना। तो लिखना शुरू करते, हमने पहले अपना एड्रेस लिखना है जहाँ भेजना है हमने, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर, और उसके बाद डियर डायरेक्टर, क्योंकि हमें यहाँ कोई नाम तो दिया नहीं, I am humbled to accept your invitation to preside over a workshop on mental wellness on 9 November 2023 at 11 am. याद रखना, मेंशन करते हैं कि क्या टाइम है, कहाँ आना है, कौन सी जगह है, उसे रिकन्फर्म करना ही है। एंड इन पब्लिक हॉस्पिटल जम्मू हमने कर दिया। आई एम ईगर टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद लीडिंग प्रैक्टिशनर्स। इस लाइन को लिख के ना हम एक एड ऑन दे रहे हैं, हम एक सपोर्टिंग लाइन दे रहे हैं, विच विल मेक इट इंटरेस्टिंग। आई विल बी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट, और थैंक यू तो हम कर ही रहे हैं, ऑनर तभी फील कर रहे हैं, रिगार्ड्स, और फिर अपना नाम डॉक्टर सुचित्रा मोती। और इस तरीके से हमने ये अपनी एक्सेप्टेंस वाला रिप्लाई लिख दिया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी जो CBSE सैम्पल पेपर में आया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मेघना मेनन एंड विच यू हैज टू शेयर टू इन्वाइट प्रायर वर्क कोलीग्स, उसके पुराने जो लोग काम करते थे उसके साथ उनके लिए बुलाना है। इनॉग्रल इवेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म का, एसर मॉल कोझिकोड केरला में। तो ये हो गया कार्ड टाइप, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है तो उसे कार्ड टाइप कहते हैं। कार्ड टाइप मतलब एक बॉक्स बनेगा और थर्ड पर्सन में आप पूरा लिखोगे। याद रखना, इसे सिंपल प्रेजेंट में लिखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी, एक, हु इज़ इन्वाइटिंग, होम टू इन्वाइट, किसको बुलाना है भाई, कब है कब ये इवेंट, एंड वॉट टाइम, वेयर, फॉर वॉट, सारी डिटेल इंक्लूड करना, इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द होस्ट की कौन है, सिग्नेचर मत डालना इसमें, देयर इज़ नो नीड टू हैव अ सिग्नेचर हियर। तो की पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नेम ऑफ द होस्ट एंड होस्ट, फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रखना है, पर्पज़ क्या है इन्विटेशन का कि भाई बुलाया क्यों है, डेट टाइम इवेंट का बताना है, वेन्यू देना है, नेम ऑफ द स्पेशल गेस्ट अगर कोई हो तो, RSVP ज़रूर लिखना कि अगर रिस्पॉन्ड करके देना है जवाब आप आ रहे हो नहीं आ रहे, तो RSVP इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड नंबर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना। तो हमारा इन्विटेशन शुरू हो गया, मेघना मेनन कॉर्डियली, अब हमने लाइन ब्रेक कर दी और सेंट्रली अलाइन रखेंगे, इन्वाइट्स टू द इनॉग्रल इवेंट ऑफ, हमने नेक्स्ट लाइन में कर दिया, हर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म ऑन 25 February एट 6:30 PM इन एसर मॉल कोझिकोड़े। और ये आ गया हमारा सारा इन्फॉर्मेशन, RSVP हमने लिख दिया राधिका,
एक फ़ोन नंबर दे दिया, साथ में हम नीस लिख सकते हैं क्योंकि आप अपनी आंट के बिहाफ पे कर रहे थे और आपको ये रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं, और बॉक्स बना के हमने ख़त्म कर दिया। आप नीचे चाहो तो ब्रैकेट में मैप ओवरलीफ लिख सकते हो कि कहाँ पे है वो जगह जहाँ पहुँचना है। होप दिस क्लियर्स मेनी ऑफ योर डाउट्स। वील कंटिन्यू मेकिंग मोर वीडियोज ऑफ क्लास 12 एंड वी प्लीज डू सजेस्ट द टॉपिक्स दैट यू वॉन्ट मी टू मेक ऑन। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि डिस्कशन हो या सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो जस्ट मेक श्योर यू टेल अस। लव यू गाइज, बाय।